इंटर्नशिप स्कीम की गुरुवार को शुरुआत हो गई। योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को 5,000 रुपए महीने मिलेंगे। इसके अलावा इंटर्नशिप ज्वाइन करने पर उन्हें एक मुश्त 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। स्कीम की घोषणा बजट में की गई थी, हालांकि अभी इसे पायलट आधार पर शुरू किया गया है। इसमें कैंडिडेट 12 अक्टूबर से अप्लाई कर सकेंगे। कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के सूत्रों ने बताया है कि अभी कंपनियों के लिए पोर्टल www.pminternship.mca.government.in शुरू कर दिया गया है। कंपनियां अपनी जरूरतों और इंटर्नशिप की पोस्ट की जानकारी 10 अक्टूबर तक देंगी। इसके बाद 12 अक्टूबर से कैंडिडेट्स के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। कैंडिडेट 12 से 25 अक्टूबर तक अपनी योग्यता और अन्य जानकारी अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद मिनिस्ट्री शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट कंपनियों को देगी। 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक कंपनियां सिलेक्शन करेंगी। कैंडिडेट को ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए 8 नवंबर से 15 नवंबर तक समय मिलेगा। अगर कैंडिडेट को पहला ऑफर पसंद नहीं आया तो उसे 2 और ऑफर दिए जाएंगे। इसके बाद कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट अधिकतम 5 अवसरों के लिए अप्लाई कर सकेगा। 3 अक्टूबर को 111 से ज्यादा कंपनियों ने 1057 से ज्यादा ऑफर पायलट के तहत प्लेस किए हैं। इन कंपनियों में एलेम्बिक फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियां भी हैं। फिलहाल महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और उत्तराखंड से कैंडिडेट्स ने 1800161090 कॉल सेंटर नंबर कॉल करके इंटर्नशिप स्कीम में शामिल होने की इच्छा जताई है। सूत्रों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में करीब 1.5 लाख इंटर्नशिप्स के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। इस पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। रोजगार के अवसरों के लिए कैंडिडेट्स को 12 महीनों का अनुभव मिलेगा। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार इंटर्नशिप देने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसके तहत देश की टॉप 500 कंपनियों में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को कारोबारी माहौल, विभिन्न कारोबार क्षेत्रों में 12 महीने कामकाज के गुण सीखने का मौका मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त। पेरेंट्स या पति या पत्नी की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसे लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे, या इनमें से कोई स्थानीय सरकारी कर्मचारी है तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर दिया जाएगा। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी। इसके अलावा कंपनियां चयनित उम्मीदवार को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा उपलब्ध करा सकती हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।